आज के हमारी इस कहानी में एलिस नाम की एक जेनेटिक इंजीनियर को दिखाया जाता है, जिसने प्लांट के जीन्स को मॉडिफाई करके एक ऐसा प्लांट बनाया है जिसको स्मेल करके दुखी लोग भी खुश हो जाएंगे। पर असल में इस फ्लावर को स्मेल करके लोगों के बिहेवियर चेंज होने लगते हैं, वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। धीरे धीरे काफी लोग इसके आदि हो जाते हैं और इस प्लांट के गुलाम बन जाते हैं। तो देखना अब ये है कि क्या ये प्लांट सभी लोगों को अपना गुलाम बना लेगा या एलिस इस प्लांट को जड़ से मिटा देगी। वेल, आज की इस कहानी को जेसिका हॉजनर ने डायरेक्ट किया है, जो कि एक ऑस्ट्रियन फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर है। जेसिका ज्यादातर ड्रामा और थ्रिलर मूवीज के लिए जानी जाती है और आज की हमारी कहानी भी इसी जॉनर में फॉल करती है। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लिटिल जो। तो कहानी की शुरुआत एक लैब को दिखाते हुए होती है, जहां प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके ग्रो किया जाता है। इन सभी प्लांट्स में से एक अलग ही तरह की खुशबू आती है। यहाँ पर हम एलिस नाम की एक जेनेटिक इंजीनियर को देखते हैं। इसी ने इन फ्लावर्स को बनाया। एलिस बताती है कि जब हम किसी को गले लगाते हैं या फिर किस करते हैं, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम के एक हार्मोन रिलीज होता है, इसीलिए इसको हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। अब वो एक एग्जांपल देते हुए कहती है कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है और जब वो अपनी माँ के पास जाता है तो वो रोना बंद कर देता है, क्योंकि उसको अपनी माँ के पास जाकर खुशी और सुरक्षा दोनों महसूस होती हैं। इसी तरह लव, बॉन्डिंग, सोशल रिलेशनशिप, ये सभी इसी हार्मोन की देन है। इस फ्लावर को स्मेल करने से ह्यूमंस को खुशी मिलने लगेगी, लेकिन इसको ग्रो करना है तो इसके साथ प्यार से बात करनी होगी, टच करना होगा, धूप, बारिश, सर्दी में इसका बहुत ख्याल रखना होगा, तभी ये खिलेगा और हमको खुशियाँ देगा। अब बाकी के साइंटिस्ट को एलिस से थोड़ी जलन जरूर होती है, लेकिन चीफ साइंटिस्ट जिसका नाम कार्ल है, वो कहता है कि सुपर फ्लावर जल्दी से ग्रो करो, कुछ दिनों में होने वाले फ्लावर एग्जीबिशन में हम इसको मार्केट में उतारेंगे तो हमको बहुत प्रॉफिट होगा। जिसके बाद हम एलिस के बेटे जो को देखते हैं। दरअसल एलिस का डिवोर्स हो चुका है और वो एक सिंगल मदर है। तभी वहाँ पर एलिस की टीम का एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम क्रिस होता है। वो जो के साथ बड़े प्यार से बात करता है। वो कहता है, अरे वाह, तुम्हारे रेड शू तो बहुत अच्छे हैं। जो खुश होकर अपना रेड शू दिखाता है और क्रिस को थैंक यू भी कहता है। इतने में वहाँ पर एलिस आ जाती है। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। एलिस हमेशा ही काम में बहुत बिजी रहती है, इसीलिए वो जो के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाती। हालांकि जो कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के काम को बहुत रिस्पेक्ट देता है और वो एक काफी समझदार बच्चा है। डिनर करते हुए वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मुझको लगता है आपकी और क्रिस की जोड़ी अच्छी रहेगी और वो आपको पसंद भी करते हैं और आप दोनों एक ही लाइन में भी काम करते हो। उसकी क्यूट बातें सुनकर एलिस स्माइल करते हुए कहती है कि बेटा, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि अपनी माँ की डेटिंग फिक्स करो। अब अगले दिन हम लैब में बेला नाम की दूसरी साइंटिस्ट को देखते हैं, जो कि अपने डॉग बेलो के साथ आई होती है। स्पेशल प्लांट्स वाले लैब का एक्सेस सभी साइंटिस्ट के पास होता है, लेकिन सिर्फ बेला को एक्सेस नहीं दिया गया है। तभी वहाँ पर कार्ल आता है और अपने एक्सेस से बेला को लैब में लेके जाता है। ये दोनों ब्लू कलर के फ्लावर्स पर रिसर्च कर रहे होते हैं। पास ही के एक सेक्शन में एलिस और क्रिस हैप्पी फ्लावर्स पर काम कर रहे थे। अब काम के बीच में क्रिस एलिस को उसके साथ डिनर पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन एलिस साफ मना कर देती है कि हम अच्छे कलीग्स बने रहें, इसी में दोनों की भलाई होगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि घर पर जो एक फिश टैंक में चींटों को पाल रहा होता है, जो ज्यादातर अकेला ही रहता है, इसीलिए उसको अकेला रहना अब अच्छा लगता है। शाम को एलिस उसके लिए एक हैप्पी प्लांट लेकर आती है और एक्सप्लेन करती है कि अगर तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे, इससे बातें करोगे, तो ये फ्लावर तुमको खुशी देगा। इसका नाम लिटिल जो है। लेकिन जो को तो ये सरासर पागलपन लगता है, पर फिर भी वो माँ के कहने पर फ्लावर से बातें करने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि हैप्पी फ्लावर्स के पास जो ब्लू फ्लावर्स हैं, अब उनमें से वायरस इन्फेक्शन फैल चुका है और आधे से ज्यादा ब्लू फ्लावर सड़ चुके होते हैं। कार्ल और बेला एलिस के फ्लावर को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे फ्लावर के निकले हुए पॉलन से ब्लू फ्लावर्स इन्फेक्ट हो गए हैं, लेकिन एलिस उनको बताती है कि मैंने अपने फ्लावर्स को इस तरह से बनाया है कि वो कभी भी पॉलिनेट नहीं कर सकते। इस बात पर बेला पूछती है कि अगर फ्लावर्स पॉलिनेट नहीं कर रहे तो ये इतनी जल्दी कैसे ग्रो हो रहे हैं। प्लांट्स के जीन्स को चाहे जितना भी बदल लो, लेकिन पॉलिनेशन को तुम कैसे कंट्रोल कर सकती हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग से तुम एक फ्लावर की न्यूट्रल क्वालिटी को चेंज कर सकती हो, लेकिन उसका रिप्रोडक्शन चेंज नहीं कर सकती। रिप्रोडक्शन कुदरत का आधार है, उसी मकसद से हर जीव जंतु जिंदा रहते हैं। अगर तुम नेचर को ही चेंज कर दोगी तो ये फ्यूचर में बड़ा खतरनाक साबित होगा। अब ये सब सुनकर एलिस उनसे कहती है कि तुम लोगों में नए आइडियाज को समझने और उनको एक्सेप्ट करने की मैच्योरिटी नहीं है।
मैंने सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके ही इन फ्लावर्स को तैयार किया है, इसलिए मुझको रोकने की कोशिश मत करो। ये सब सुनकर काल आवाज ऊंची करके कहता है कि तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती, वरना मैं तुम्हारी रिसर्च का अप्रूवल कैंसिल करवा दूंगा। तुम अपना काम जारी रखो, लेकिन जब तक इस फ्लावर के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल जाती तब तक यहाँ सबको मास्क पहनकर काम करना पड़ेगा। वही शाम तक सारे ब्लू फ्लावर्स मुरझाकर मर जाते हैं। ये देखकर बेला परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी पूरी मेहनत और रिसर्च बेकार चली गई, और ऊपर से बेला का डॉग भी गायब था, इसीलिए बेला को डर लग रहा होता है कि कहीं उसका डॉग लैब के अंदर बंद तो नहीं हो गया। और बेला के पास तो लैब का एक्सेस भी नहीं है, इसीलिए क्रिस लैब के अंदर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि हैप्पी फ्लावर्स धीरे धीरे खिल रहे हैं। पर तभी अचानक से बेला उस पर कूद पड़ता है और क्रिस फ्लावर पर गिर जाता है। वो फ्लावर को स्मेल कर लेता है और उसको छींके आने लगती है, लेकिन वो बेलो को लेकर बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो फिर से एलिस को डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन इस बार एलिस मान जाती है। लेकिन क्रिस अब पहले जैसा शाय और शांत स्वभाव का नहीं रहा, अब वो खूब बातें करता है और एलिस के साथ फ्लर्ट भी करता है। अगले दिन लैब में बेलो कुछ ज्यादा ही भौंकने लगता है और बेला को काटने की कोशिश भी करता है, जिस वजह से बेला रोने लगती है कि ये पहले तो ऐसी हरकतें नहीं करता था, पता नहीं इसको क्या हो गया। जिसके बाद बेलो को एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि कहीं और किसी को ना काट ले, जहां पर एलिस बेला को समझाती है कि डॉग्स का भी मूड बदलता रहता है, तुम चिंता मत करो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन बेला कहती है कि ये मेरा डॉग नहीं हो सकता क्योंकि मेरा बेलो कभी ऐसा नहीं करता। अब हम लंच ब्रेक में क्रिस और एलिस को साथ देखते हैं, जहां क्रिस एलिस से कहता है कि तुम बेला की बात पर ध्यान मत दो, वो पहले से ही काफी डिप्रेशन में थी जिसकी वजह से उसने एक साल काम से ब्रेक लिया था, इसीलिए कार ने उसको लैब का एक्सेस नहीं दिया। ये सब बातें उनका एक जूनियर साइंटिस्ट भी सुन लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि घर पर जो एक लड़की को मैसेज कर रहा होता है, ये लड़की इकलौती जो की फ्रेंड है, जो उसको इम्प्रेस करने के लिए अपनी हॉबी के बारे में बताता है, अपनी चींटियों से भरे फिश टैंक की फोटो भेजता है, लेकिन उस लड़की को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन जो कुछ भी करके उसको इम्प्रेस करना चाहता है, इसीलिए वो उसको हैप्पी फ्लावर के साथ अपनी एक सेल्फी लेके भेजने के बारे में सोचता है कि उसको इस फ्लावर के बारे में बता के उसको इम्प्रेस करूंगा, और वो सेल्फी लेकर भेज देता है। वो लड़की तुरंत उसका रिप्लाई करती है कि ये कितना सुंदर फ्लावर है, मैं इस फ्लावर को देखना चाहती हूँ। अब जो खुशी में उस फ्लावर के पास जाता है और उसको स्मेल करता है, जिसकी वजह से उसको एलर्जी हो जाती है और वो छींकने लगता है। जिसके बाद शाम में उसकी माँ घर आती है और जो को डिनर के लिए कई बार बुलाती है, लेकिन वो चिढ़कर कहता है कि मैं कब का खा चुका हूँ, तुम खा लो और मुझको डिस्टर्ब मत करो। एलिस को ये अजीब लगता है क्योंकि वो कभी भी किसी से इस तरह से बात नहीं करता, और तब वहाँ पर बेला आ जाती है। एलिस बेला को लेकर थोड़ी डरी हुई है क्योंकि उसको मानसिक तनाव है और उसकी लाइफ में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स है, और शायद उसकी ही वजह से उसके ब्लू फ्लावर वाला प्रोजेक्ट खराब हो चुका है। लेकिन फिर भी वो उसको अंदर बुला लेती है। फिर बेला उसको बताती है कि मेरा डॉग एक बच्चे की तरह है, लेकिन अब वो पागल कुत्तों जैसा बिहेव कर रहा है। मुझको लगता है कि शायद हैप्पी फ्लावर को स्मेल करने से उसके दिमाग में ऐसा चेंज हुआ है। वो अपनी एक बुक को रेफर करके बताती है कि हमारे नाक के ऊपर के हिस्से में ब्रेन का एक पार्ट है जो हमारे मूड और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इस हैप्पी फ्लावर की स्मेल हमारे उस पार्ट को इफेक्ट करके हमारे पूरे बिहेवियर को चेंज कर रही है। ये एक तरह का इन्फेक्शन है। पर एलिस तो इन्फेक्शन शब्द सुनकर भड़क जाती है कि मेरे फ्लावर्स इन्फेक्शन नहीं फैलाते हैं। बेला कहती है कि अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो तुम क्रिस को ही ले लो, जो तुम्हारी टीम में है। वो कितना शांत और शर्मीला था, लेकिन आज उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया है। अगर इस फ्लावर की वजह से किसी को कुछ हो गया तो सब तुमको ही ब्लेम करेंगे। वो एलिस को वार्न करके वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर अब एलिस को भी हैप्पी फ्लावर पर शक होने लगता है, क्योंकि आज उसके बेटा भी उससे अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है। उसको लगता है कि कहीं ये भी उसी हैप्पी फ्लावर की वजह से तो नहीं हुआ। अगले दिन लैब में काल एलिस को डांटता है क्योंकि बिना परमिशन के क्रिस ने हैप्पी फ्लावर्स का दूसरा बैच ग्रो करना शुरू कर दिया था। इस फ्लावर से क्या निकलता है, वायरस या कुछ और, हमें इस बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने बिना जाने दूसरा बैच शुरू कर दिया। जिस पर एलिस कहती है कि मैंने अपने बेटे को यही प्लांट दिया हुआ है, लेकिन उसको तो कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर काल उसको और डांटता है कि ये रूल्स के अगेंस्ट है, तुम यहाँ से कुछ भी घर लेकर नहीं जा सकती, ऊपर से इस प्रोजेक्ट को अब तक अप्रूवल भी नहीं मिला है। लेकिन अब एलिस एक झूठ बोल देती है कि मैंने सुना है दूसरी कंपनीज भी ऐसे फ्लावर्स पर रिसर्च कर रही हैं। अगर हम सफल हुए तो दुनिया भर में हमारे प्लांट्स बिकेंगे, वरना कोई और इस पे कॉपीराइट ले लेगा। अब आप ही बताइए कि रूल्स और अप्रूवल्स इम्पोर्टेंट है या फिर कमर्शियल सक्सेस।
जिस पर सभी एकदम से चुप हो जाते हैं। एलिस वहाँ से बाहर आकर क्रिस को डांटती है कि तुमने मुझे बिना बताए नया बैच ग्रो क्यों किया, जिस पर वो जवाब देता है कि तुम्हारी तरह मैं भी कंपनी के फायदे की ही सोच रहा हूँ। जिसके बाद हम एलिस के एक्स हस्बैंड को देखते हैं जो कि जो को घर छोड़ने आता है। दरअसल जो कुछ दिनों के लिए अपने पापा के घर रहने गया था, जिसके बाद वो एलिस से कहता है कि तुम जो की देखभाल करती भी हो या फिर हमेशा अपने लैब के काम में ही लगी रहती हो। जिसके बाद एलिस नोटिस करती है कि जो का बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका है। अब एलिस घबरा जाती है कि कहीं हैप्पी फ्लावर की वजह से जो के अंदर चेंजेस तो नहीं आ गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि हैप्पी फ्लावर को कुछ लोगों पर टेस्ट किया जाता है और एलिस उसके इंटरव्यूज देख रही होती है, जिसमें एक लड़की बताती है कि मुझे इस फ्लावर को स्मेल करके बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल मैच्योर फील करने लगी हूँ। पर उसकी माँ कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही मैच्योर बिहेव कर रही है, मेरी बेटी का बिहेवियर ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसी दौरान वीडियो बीच में से ही कट हो जाती है। एलिस इस बारे में वीडियो एडिटर से पूछती है तो वो बताता है कि ये वीडियो फ्लावर प्रमोशन के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसमें हमने सारे पॉजिटिव रिव्यूज ही लिए हैं और बाकी के काट दिए। एलिस घर आकर सोचने लग जाती है कि क्या बेला, कॉल और उसका एक्स हस्बैंड सच तो नहीं कह रहे, कहीं सच में इस फूल की स्मेल से लोगों का बिहेवियर बदल जाता हो। फिर हम देखते हैं कि रात में एलिस के सोने के बाद जो उसकी आईडी और लैब का एक्सेस बैच चुरा कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लैब में जाता है। वो पहले भी कई बार अपनी माँ के साथ यहाँ पर आ चुका है, इसीलिए उसको पता है कि यहाँ के कैमरे कुछ टाइम के लिए दूसरी ओर घूम जाते हैं और उसी समय पर वो दोनों लैब के अंदर घुस जाते हैं। वो दोनों लैब के अंदर पहुंचकर हैप्पी फ्लावर्स को स्मेल करने लगते हैं, जिस वजह से उनके अंदर अडल्ट्स वाली फीलिंग आने लग जाती है। इतने में कैमरा उनकी ओर घूम जाता है और ये दोनों टेबल के नीचे छिप जाते हैं। अगले दिन लैब में साइंटिस्ट देखते हैं कि एक हैप्पी फ्लावर प्लांट गायब है। फिर वो लोग सीसीटीवी चेक करते हैं तो एलिस की नजर टेबल के नीचे रेड शू पर पड़ती है और उसको पता चल जाता है कि ये शूज तो उसके बेटे के हैं। जब एलिस बाहर आती है तो बेला उसको एक पेनड्राइव देती है और उससे कहती है कि जल्दी कुछ करो वरना बहुत देर हो जाएगी। पेनड्राइव में इंटरव्यूज के पूरे वीडियोस होते हैं जिन पर इन फ्लावर्स को टेस्ट किया गया था। वो सभी पॉजिटिव रिव्यूज देते हैं कि उनको इस फ्लावर की स्मेल से बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनके साथ बैठे उनके फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि उनका बिहेवियर अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, पूरी तरह से चेंज हो चुका है, शायद ये उसी फ्लावर की स्मेल की वजह से हुआ है। इसी बीच एलिस देखती है कि जो अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर लाया है और उसे अपने बेडरूम में लेके जाता है। एलिस जब उनसे पूछती है तो वो लड़की बताती है कि हम दोनों स्टडी करने वाले हैं। एलिस नोटिस करती है कि वो एक मैच्योर लड़की की तरह बात कर रही है। फिर एलिस उन्हें डिनर करने के लिए कहती है, जहां एलिस पूछती है कि तुम दोनों चोरी छिपे लैब में क्यों गए थे, जिस पर जो कुछ और ही जवाब देता है कि आप तो काम में बिजी रहती हैं, इसलिए मैं पापा के घर रहने जा रहा हूं। ये सुनकर एलिस को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जो उस लड़की को लेकर तुरंत वहां से जाने लगता है। एलिस उसका हाथ पकड़कर उसको रोकने की कोशिश करती है, जिस पर जो जोर से अपना हाथ छुड़ाता है, जिस वजह से एलिस नीचे गिर जाती है और उसकी नाक से खून आने लगता है, जिसके बाद वो एलिस से सॉरी कहता है और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर हैप्पी फ्लावर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों ही उस फ्लावर से बातें करने लगते हैं। अब उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे उन दोनों को प्लांट का नशा चढ़ गया है। एलिस जो के एंड टैंक्स को देखती है जहां सारी चींटियां मर चुकी थी, क्योंकि अब जो उनका ध्यान नहीं रखता, वो हमेशा हैप्पी फ्लावर से बात करता रहता है। अगले दिन लैब में एलिस और क्रिस बेला से बहस करते हैं कि तुमने जानबूझकर कुछ सैंपल्स को मिटा दिया है, पर बेला कहती है कि मैं 20 साल से इस फील्ड में हूँ और जानती हूँ कि जो सैंपल्स अच्छे नहीं होते वो नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए मुझको दोष मत दो। जिसके बाद एलिस क्रिस से कहती है कि शायद मैं ही गलत कर रही हूँ। बेला ठीक कहती है कि पृथ्वी पर हर जीव अपनी नस्ल को जिंदा रखने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, यही कुदरत का नियम है। मैंने हैप्पी फ्लावर्स की रिप्रोड्यूस करने की शक्ति पर रोक लगा दी, शायद इसी वजह से वो सर्वाइव करने के लिए हमें इन्फेक्ट कर रहे हैं, अपनी स्मेल से हमें अपना गुलाम बना रहे हैं और जिंदा रहने के लिए अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। मेरा बेटा भी इसका एडिक्ट हो चुका है, अब वो बड़े आदमी की तरह बात करता है। ये सब सुनकर क्रिस को उसकी बातें बचकाने लगती है और वो कहता है कि तुम अपने बेटे के साथ वक्त नहीं बिताती हो, इसीलिए वो गुस्से में आकर ऐसा कर रहा है। अब एलिस जो के साथ वक्त बिताने का फैसला करती है और उसे कहती है कि इस वीकेंड हम कहीं बाहर चलेंगे, लेकिन जो एलिस से साफ मना कर देता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, वीकेंड पर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है।
वहीं दूसरी ओर लैब में जूनियर साइंटिस्ट आकर बेला को बताते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है और उसको अभी जाना है। वो बेला से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज सिर्फ रात के लिए आप लैब को देख लीजिए। ये कहकर वो बेला को लैब का एक्सेस बैच देकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बेला अंदर जाकर उन प्लांट्स को पानी देती है और तभी अचानक से कई सारे हैप्पी फ्लावर्स खिलने लगते हैं और उनसे बहुत ही ज्यादा महक आने लगती है। हालांकि बेला ने मास्क पहना होता है पर फिर भी वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बेला से एक्सेस बैच से वहाँ डोर ओपन ही नहीं होता, इसीलिए वो डक्ट की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलिस लैब में बेला का वेट कर रही है और तभी बेला वहाँ पर आती है। बेला एक सीरियस टाइप की औरत है और ज्यादा किसी से बातें नहीं करती, लेकिन आज वो काफी खुश थी और बिल्कुल अलग तरह से बात कर रही थी। वो एलिस से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे थोड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने हैप्पी फ्लावर के बारे में पता नहीं तुमसे क्या क्या कह दिया। असल में उस फ्लावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी फ्लावर की वजह से आज मैं इतनी खुश हूँ। अब यहाँ पर एलिस को यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ खुशी देने वाला फूल नहीं बल्कि इंसान का बिहेवियर पूरी तरह से बदल देने वाला खतरनाक फूल है। इन सब की वजह से उसका स्ट्रेस और बढ़ जाता है, इसीलिए वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है और उसको सब कुछ बता देती है। और सब कुछ जानने के बाद साइकाइट्रिस्ट कहती है कि मुझको नहीं लगता ये सिर्फ एक फूल की वजह से हो रहा है, अब आपका बेटा बड़ा हो रहा है, ऐसे में कुछ बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ टैबलेट्स दे देती हूँ, उसको ये दे दीजिए और आप आराम करिए। जब एलिस वहाँ से घर आती है तो वो देखती है कि क्रिस उसके घर पर आया हुआ है और जो और उसकी गर्लफ्रेंड बैठकर उसके साथ बातें कर रहे हैं। अब एलिस क्रिस पर गुस्सा करती है कि मेरे गैर हाजिरी में तुम यहाँ पर क्यों आए हो, दरअसल इन तीनों ने हैप्पी फ्लावर को स्मेल किया हुआ है, इसीलिए इनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। क्रिस उल्टा उसको हाय बोलता है और कहता है कि चेंज हमारे अंदर नहीं तुम्हारे अंदर हुआ है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए तुम्हारे साथ क्लोज होने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो भी कोई छोटा बच्चा नहीं है अब वो बड़ा हो गया है इसीलिए उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन तुम बिलीव कर रही हो कि ये सब चेंजेस हैप्पी फ्लावर की वजह से आए हैं। एलिस अंदर आती है जहाँ पर उसका बेटा अभी भी वहीं पर खड़ा होता है। अब एलिस को लगने लगा था कि कहीं मैं ही पागल तो नहीं हो गई, ये फ्लावर ही सारी मुसीबतों की जड़ है, मैं उसको खुद ही मिटा दूंगी। ये सोचकर वो अगले दिन लैब में जाती है जहां वो काल से कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था, हैप्पी फ्लावर की स्मेल इंसानों को खुशी तो देता है पर हद से ज्यादा खुशी नशा बन जाती है, ये फ्लावर उनका पूरा बिहेवियर ही बदल देता है, ये खतरनाक है, मैंने खुद अपने बेटे और क्रिस के बिहेवियर में ऐसे चेंजेस देखे हैं, अभी के लिए आप इस प्रोजेक्ट को रोक दीजिए, अब 2-3 सैंपल्स पर पूरी रिसर्च करने के बाद ही हम इनको ग्रो करेंगे। काल उसकी बात से सहमत होता है और वो इसके लिए मान जाता है, लेकिन लंच टाइम में अचानक बेला उठकर कहती है कि मैंने हैप्पी फ्लावर को स्मेल नहीं किया था, मैं बस सबको दिखाना चाहती थी कि हैप्पी फ्लावर से क्या हो सकता है, इसलिए मैंने अचानक हंसमुख होने की एक्टिंग की, वो फ्लावर बहुत खतरनाक है, जिसके बाद काल और क्रिस उसे पकड़कर बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन बेला उनसे हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। एलिस भी उनका पीछा करती है लेकिन अचानक वो देखती है कि बेला नीचे गिरकर मर गई है, जिस पर काल और क्रिस कहते हैं कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी इसीलिए वो नीचे कूद गई, लेकिन एलिस को उनकी बात पर विश्वास ही नहीं होता। इस सब के बाद काल एक मीटिंग बुलाता है और पूरी बाजी पलट देता है, क्योंकि अब तक जो भी इस फ्लावर के अगेंस्ट थे वो सब भी बेला की मौत को एक्सीडेंट बताते हैं। काल कहता है कि उसके लिए हम हैप्पी फ्लावर को दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो बहुत अच्छा है, उसने खुद उसको स्मेल किया है और अब उसको पहले से काफी अच्छा महसूस हो रहा है, इसीलिए फ्लावर एग्जीबिशन के लिए हम उसको जल्द ही तैयार करेंगे। अब ये सब सुनकर एलिस और ज्यादा शॉक्ड रह जाती है, पर वो कर भी क्या सकती थी, काल की बात मानकर वो फ्लावर को चेक करती है, पर तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है जहाँ पर एलिस उससे थोड़ी बातें करती है, लेकिन जब वो टेम्परेचर सिस्टम को देखता है तो परेशान हो जाता है। दरअसल हैप्पी फ्लावर्स को हाई टेम्परेचर में रखना होता है पर एलिस ने टेम्परेचर को एकदम लो कर दिया था। अब ये देखकर क्रिस एलिस से टेम्परेचर सिस्टम की चाबी मांगता है लेकिन एलिस उसको मना कर देती है। क्रिस गुस्से में एलिस के सर पर जोर से मारकर चाबी छीन लेता है और वहाँ का टेम्परेचर ठीक कर देता है, और वहाँ से जाते जाते वो एलिस का मास्क भी निकाल देता है, जिस वजह से एलिस भी हैप्पी फ्लावर को स्मेल कर लेती है। अब अगले दिन
कार्ल सबको बताता है कि फ्लावर एग्जीबिशन के लिए हमारा हैप्पी फ्लावर सिलेक्ट हो चुका है। वहाँ सबको लग रहा था कि एलिस ये जानकर दुखी होगी क्योंकि वो इस फ्लावर के अगेंस्ट थी और उसको तबाह कर देना चाहती थी, पर एलिस तो ये सब जानकर खुश होती है कि मेरी मेहनत कामयाब हुई। फिर हम देखते हैं कि वो अब क्रिस से भी घुलने मिलने लगी है और वो अपने बेटे को भी उसके पापा के पास जाने को कहती है, जिस पर उसका एक्स हस्बैंड कहता है कि तुम सच में एक अच्छी माँ हो। हैप्पी फ्लावर की वजह से इसी तरह सभी एकदम खुश हो जाते हैं, जिसके बाद एलिस अपने साइकाइट्रिस्ट को थैंक यू करने जाती है, जहां साइकाइट्रिस्ट भी खुश होती है कि उसका ट्रीटमेंट काम कर रहा है। एलिस साइकाइट्रिस्ट के रूम से बाहर निकलती है तो उसकी नजर उनके क्लिनिक में रखे हैप्पी फ्लावर पर जाती है, जहां पर डॉग का असिस्टेंट उसे स्मेल करके कहता है कि आपकी कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है, ये फ्लावर रोज मुझको खुश कर देता है। अब एलिस उस फ्लावर को देखती रहती है और फिर एक क्रीपी स्माइल करती है, मतलब अब एलिस भी उस फ्लावर के नशे की एडिक्ट हो चुकी है, जिसके साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।